नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। देश की रक्षा कर रहे जवानों के मन में हमेशा से यही भाव रहता है। सब कुछ समर्पित करने वाले जवानों को देश बारंबार नमन करता है और आज का दिन है उन्हीं जवानों के शौर्य को याद करने का दिन, जिनसे देश को गर्व होता है। पाकिस्तानी सेना के सरेंडर करने के दस्तावेज, जनरल नियाजी का सरेंडर किया गया पिस्टल और पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों ने जब सरेंडर किया था, ये सभी तस्वीरें आप देख सकते हैं। युद्ध के इतिहास में किसी भी सेना का सरेंडर करना सबसे खराब क्षण होता है, जिसे सैनिक कभी जीते जी भूल नहीं सकता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग में जीत के आज 50 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय मशाल जलाई। नेशनल वार मेमोरियल की लौ से प्रधानमंत्री ने 4 विजय मशाल जलाई। देश के अलग अलग हिस्सों में इन मशालों को ले जाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख भी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे देश में शहीदों की याद में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। आपको बता दें कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की मुख्य वजह बांग्लादेश को आज़ाद कराना था। भारतीय सेना भी इस जंग में शामिल हुई थी। 13 दिन चली इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी जनरल AK नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को 90,000 सैनिकों के साथ भारत और मुक्त वाहिनी के सामने ढाका में आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के साथ ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। NBC हिंदी को हिंद की सेना पर गर्व है। देश इन वीर सपूतों को दिल से सलाम करता है। और हाँ, जब जब भारत की सेना से, भारत की एकता और अखंडता से कोई भी देश टकराना चाहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।